फ नहीं है देन इन दैट केस टेलीग्राम से प्लीज डाउनलोड कर लो दो नोट एक कॉन्सेप्ट वाले एक प्रैक्टिकल वाले पार्ट वन देख लेना सो so दैट जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ सम्स हो गए हैं वो आप लोगों का फटाफट कवर हो जाएगा आप लोगों के पास अगर मैजिक बुक होगी आप उसको रिलेट कर पाएंगे अदरवाइज ये नोट्स इमीजिएटली प्लीज डाउनलोड कर लेना सो दैट यू आर इन कनेक्ट अब आ रहे हैं अपन लोग मार्केट लाइन के ऊपर यहां से आगे का पूरा पार्ट बाकी है तो मार्केट लाइन बीटा मैनेजमेंट फिर बाद में है रिलेटेड टू य पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग ये सारी चीजें अभी मैं फटाफट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट द गेम गेंद मार्केट लाइन में दो पार्ट आता है ये यूजन में छोड़ देता है तो प्लीज स्टार्ट में इसी से कर रहा हूं सो so दैट ये अभी फोकस करके कंप्लीट हो जाए और आईसीए का एक मॉड्यूल है अभी का अभी साथ में सोल्व करवा दूंगा अगर आईसीए का क्वेश्चन आना भी है उनको देन इन दैट केस एक ऐसा क्वेश्चन है ये इसमें सी एम एल और एस एम एल दोनों का भी यूज होने वाला है देखो आप लोगों को यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट क्या द सिक्योरिटी मार्केट लाइन तो ये तो अपने को कैलकुलेट करना ही है इधर देखो आप लोगों को दिख रहा होगा अल्फास तो यहाँ पे ये जो अल्फा है ये अपना कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन वाला अल्फा है सो थर्ड पार्ट में अपन लोग सिक्योरिटी मार्केट लाइन कर लेंगे फोर्थ पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन कर लेंगे जो फर्स्ट दो पार्ट है दे विल फॉर्म अ बेस फॉर सिक्योरिटी मार्केट लाइन एंड कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर इन दोनों के बारे में जल्दी बताओ तो सही तो इन दोनों का फॉर्मुलाज यहाँ पे मैंने तुम लोगों को लिख के दे दिया बहुत, uh, है बहुत सिंपल सी चीज है अब अगर आपका इसका डेरिवेशन चाहिए अबाउट इन डेप्थ नॉलेज चाहिए देन दिस इज नॉट द वीडियो उसके लिए अलग से यू कैन रिफर माई विडियो जहां पे सिक्योरिटी मार्केट लाइन कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया यहां पे अपना फोकस क्या है क्विक सो so, आओ बता देता हूं क्या है ये दोनों फॉर्मुलज तो एक है मेरा कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन का फॉर्मुला दूसरा मार्केट सिक्योरिटी मार्केट लाइन का फॉर्मुला सिक्योरिटी मार्केट लाइन के की formula को तो देखने की भी जरूरत नहीं बिकॉज वो तो अपना टिपिकल सीएपीएम का फॉर्मुला है सीएपीएम का शार्पे का फॉर्मुला क्या है आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ एम माइनस आर एफ को मार्केट रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं एग्जैक्टली exactly अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो ये रहा फॉर्म्य रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर एज पर सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज आर एफ प्लस बीटा इंटू मार्केट प्रीमियम बेटा मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है आर एम माइनस आर एफ वाला पार्ट तो मेरा हो गया सिक्योरिटी मार्केट लाइन तो ईजी है सीएपीएम का टिपिकल फॉर्म्य कोई टेंशन नहीं है फिर आता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन का ये जो फॉर्मूला है ये अपने को प्रॉपरली करना पड़ेगा सो व्हाट इज दिस दिस दिसमूला फॉर सिक्योरिटी रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज अल्फा ये क्या है अल्फा अल्फा प्लस बीटा इंटू आर एम सो ये अपने को एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है क्या अल्फा प्लस बीटा इंटू आर एम अच्छा ये क्या है ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी अब मार्कोविच में अपन लोग ने मालूम है ये फॉर्मूला किया हुआ है एक्सपेक्टेड रिटर्न राइट right? वो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी एक्स इज द जो भी रिटर्न आ रहा है एक्स वन ईयर का रिटर्न फिर सेकंड ईयर का एक्स टू थर्ड ईयर का एक्स थ्री मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी उसका समेशन करते थे अपन तो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी आ जाता है इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इन आर एम

रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी अपॉन डिफरेंस इन रिटर्न ऑफ मार्केट सो बोला ना तो मार्केट का जो रिटर्न है चेंज ये डिफरेंस की जगह पे आप लोग यूज कर सकते हो वर्ड चेंज सो चेंज इन द मार्केट रिटर्न अपॉन सॉरी चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन चेंज इन द मार्केट रिटर्न सो ये दोनों का जो भी चेंज है दैट रिप्रेजेंट्स बीटा ये आता है अपने को ये रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी एज पर कैपिटल मार्केट लाइन कैरेक्टरिस्टिक मार्केट कैपिटल मार्केट लाइन इज एक्सपेक्टेड रिटर्न

एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द टू स्टॉक्स फॉर अ पार्टिकुलर मार्केट रिटर्न इज मार्केट रिटर्न दिया है और उस मार्केट रिटर्न के लिए अग्रेसिव स्टॉक का और डिफेंसिव स्टॉक का भी रिटर्न दिया है अपने को साथ साथ में कैलकुलेट द बीटा ऑफ द टू स्टॉक तो सबसे पहले क्या अपने बीटा कैलकुलेट करना आता है the answer is yes. अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं चेंज इन द रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी पास दो सिक्योरिटी है यहाँ पे एक है अग्रेसिव सिक्योरिटी एक है डिफेंसिव सिक्योरिटी अगर भाई आप लोगों के पास एक क्वेश्चन नहीं है देन इन दैट केस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आईसीआई का मॉड्यूल का क्वेश्चन थर्टीन ओपन कर लो या ये प्रॉपरली देख लो तो भी आप लोगों को समझ जाएगा सो दैट यू कैन फोकस ऑन दिस and we can start so you can just have a look at the ICI module module का question number thirteen जो है ये देखिए market return aggressive and defensive देखिए आपको so चल let's start now hmm. so क्या बोल रहा है ये question ये question बोल रहा है the beta of the two stocks अपने को calculate करना है तो change in the return of aggressive एंड डिवाइड बाई चेंज इन रिटर्न बाई द मार्केट अग्रेसिवला छत्तीस परसेंट जब मार्केट चेंज हो रहा है अठारह परसेंट से मतलब क्या ना इसे डबल वॉलिटी है यह रहा फोर्टी माइनस फोर अपॉइंट ट्वेंटी फाइव माइनस सेवन एंड दैट द आंसर इज टू एंड यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो चेंज हो रहा है नाइन परसेंट से एंड ऑब्वियसली यहाँ पे इट इज एटीन परसेंट सो दोलेटिलिटी इज पॉइंट फाइव दोलेटिलिटी इज पॉइंट फाइव आई क्लियर एवरीबॉी सो चेंज इन दिक्योरिटी रिटर्न अपॉन चेंज इन द मार्केट रिटर्न फर्स्ट आंसर बीटा ऑफ द टू स्टॉक सेकेंड के ऊपर आ जाते हैं अपन लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इच स्टॉक इफ मार्केट रिटर्न इज लाइकली टू बी सेवन परसेंट और ट्वेंटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड को प्लीज हाईलाइट कीजिए यहाँ पे इक्वली मतलब इक्वल प्रॉबेबिलिटी है सेवन परसेंट का भी इक्वल प्रॉबेबिलिटी है ट्वेंटी फाइव परसेंट का भी बेसिकली वो अपने को बोल रहा है की एट इक्वल प्रॉबोबिलिटी वॉट इज गोइंग टू बी द मार्केट रिटर्न फॉर अग्रेसिव एंड फॉर डिफेंसिव फोकस करो एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर फोकस करो एक्सपेक्टेड रिटर्न अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं अगेन गेट बैक टू योर बेसिक्स ऑफ हैरी मार्कोविच एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे फाइंड करते हैं मार्कोविच ने बताया है सर एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मुला है एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू एक्स इन टू और उसका समेशन अब यहां पे मेरे पास दो स्टॉक्स ए और डी अग्रेसिव और डिफेंसिव डिफेंसिव के लिए भी सेम भीजी यूज करूंगा मैं अच्छा मेरे को यहाँ पे एक्स कितना रिटर्न दिख रहा है तो मेरे को यहाँ पे एक्स का रिटर्न दिख रहा है फोर परसेंट एन फोर्टी परसेंट सो ये देखो फोर का गया हाँ फोर दिख गया एंड फोर्टी

यहाँ पे इसको इधर अपन लोग यूज कर पाएंगे तो कहना इससे मेरे को A का और डी का आर एस मिल गया है मेरे को A का और डी का बीटा मिल गया है अगर मैं आर एम भी निकाल लू देन इन दैट केस अल्फा मिल जाएगा एंड ये देखो फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैलकुलेट द अल्फा ऑफ द टू स्टॉक्स मेरा ये पार्ट हो जाएगा यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क फर्स्ट बीटा कैलकुलेट करना था बहुत ही ईजी था वो तो अपन लोग ने कैलकुलेट कर लिया एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कैलकुलेटना है अगेन नाइन एंड एटीन का एक्सपेक्टेड रिटर्न है तो 0 .5, 0 .5 का प्रॉबिलिटी दिफ, गया और मैं तो बोल रहा हूं मार्केट रिटर्न का भी निकाल लेते हैं वो क्यों नहीं अपन लोग ने वो भी निकाल लेते हैं सो so, अगर मेरे को मार्केट रिटर्न का भी निकालना है ऐसे ही एक्स बार तो ये मेरे को आर एम बेसिकली मिल जाएगा मार्केट रिटर्न सो ये मार्केट रिटर्न कैसे आ जाएगा सो इट विल बी मिल गया सिक्स टोटल मेरे को इधर मिल गया सिक्सटीन समझ में आ गया आपको एवरीबॉडी बस तो यार फिर आपको और लाइफ में क्या चाहिए तीनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल गया अब चाहिए सिक्योरिटी मार्केट लाइन सिक्योरिटी मार्केट लाइन जब वर्ड यूज किया है ना लाइन चाहिए आपको लाइन तो याद रखना कि कर रही है कि आप उनको कुछ इक्वेशन बना के दोगे तो चलो लेट्स मेक एन इक्वेशन फॉर सिक्योरिटीज मार्केट लाइन विच इज नथिंग बट रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू द रिस्क प्रीमियम राइट चलो आओ सो रिस्क फ्री

अभी अपन कैलकुलेट किया ना आर एम मार्केट रिटर्न कितना है सिक्सटीन सो so, ये है सिक्सटीन माइनस सेवन पॉइंट फाइव यह मेरे को क्या मिल जाएगा तो ये है मेरा करेक्ट रिस्क प्रीमियम इज समझ में आ गया डन सर एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया डन अच्छा सर अब ये मेरा सिक्योरिटीज मार्केट लाइन बन गया 7.5 प्लस बीटा इनटू अब देखो ये क्या हो जाएगा ये मेरा बीटा Will अब जो भी मैं स्टॉक लेते जाऊंगा उसमें यहाँ पे या जो भी मेरे स्टॉक का बीटा चेंज होते जाएगा क्या बना आपका सेवन पॉइंट फाइव प्लस एट पॉइंट फाइव बीटा डन सो so, इसी के साथ हो गया मेरा ये थर्ड वाला पार्ट भी ठीक है so, तो एट अपन लोग ने कैसे कैलकुलेट किया वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया डन 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 हो गया आरएम माइनस आरएफ को यूज करके आरएम इधर ही अपन लोग ने कैलकुलेट कर लिया था आरएफ अपने पास है एंड वी आर डन फिर बात में आ जाते हैं अपन लोग लास्ट कैलकुलेशन के ऊपर जो ऑलमोस्ट अपना डन ही है अल्फा ऑफ द टू स्टॉक्स क्या इसमें मेरे पास आरएस है द आंसर इज यस 22% एंड 13.5% अभी ऊपर सेकंड uh, वाले पार्ट में कैलकुलेट किया अल्फा प्लस बीटा इनटू आरएम क्या मेरे पास बीटा है यस yes. क्या मेरे पास आरएम है यस एंड देर आई विल गेट द बैलेंसिंग फिगर अल्फा अल्फा फॉर अग्रेसिव एंड डिफेंसिव स्टॉक्स इसी के साथ होता है मेरा एक शॉट में एक सम में कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन सॉरी कैपिटल मार्केट लाइन एंड एट द सेम टाइम कैरेक्टरिस्टिक लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन एन क्वेश्चन चल अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर एंड दैट concept इज बेसिकली इन्वेस्टिंग and borrowing of securities to manage beta इसको प्यार से बीटा मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसने आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है मतलब आपने जो पोर्टफोलियो सजेस्ट किया है उसमें इन्वेस्ट किया है

So at that point in time, आपको ये ये वाला concept करना है which is called as beta management. आओ चलो इसको देखते हैं with again an example of ICAI module. तो module का मैं ले सो दैट so अपने लिए ये चीज क्लियर हो जाएगी लेट स्टार्ट सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि कितना आपका बीटा है सो फर्स्ट सी दैट एंड देन सी के उन्होंने कितना बोला है कि अब उनको टारगेट बीटा चाहिए ठीक है सो so, टारगेट बीटा वो आपको क्वेश्चन में बताएगा जैसा मैंने आपको बोला कि से आपका करंटली बीटा हो सकता है 1.2 तो जिसके पास चार स्टॉक्स है और उसका पोर्टफोलियो बीटा है तो उसके पास ये चार सिक्योरिटीज है और इन चार सिक्योरिटीज को मिला के पोर्टफोलियो बीटा बनता है पोर्टफोलियो मैनेजर सिक्स टू रिड्यूस द बीटा टू जीरो पॉइंट एट हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड ही ब्रिंग इन तो अब अपने को पे बताना है कि भाई कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए अगर उसको रिड्यूस करना है बीटा टू जीरो पॉइंट एट एंड दूसरा क्वेश्चन भी देख लो इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द बीटा टू वन पॉइंट टू हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड ही ब्रिंग इन तो बहुत ही सिंपल है यहां पे अपन दोनों के सिचुएशन में करंट बीटा कितना है 1.108 1.108 आप मुझे बताओ टारगेट बीटा कितना हुआ समझ में आ गया अभी आप लोगों को कि टारगेट बीटा हो गया 0.8 एंड 1.2 सो so, अब मेरे को से मैं सेकंड वाला केस लेता हूं कि भाई मेरा 1.2 का टारगेट बीटा है तो यहां पे मैंने लिख दिया वन का टारगेट बीटा इज इक्वल टू बीटा ऑफ रिस्क फ्री इंटू वेट ऑफ रिस्क फ्री एक सेकेंड प्लस बीटा ऑफ करंट पोर्टफोलियो इंटू वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो अब बीटा ऑफ करंट पोर्टफोलियो आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे देखो सेकेंड केस में सिर्फ बीटा ऑफ करंट पोर्टफोलियो दिया हुआ है 1.2 वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो सर अपने को तो पता ही नहीं है कि वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो कितना है तो इसको अपन लोग एज इट इज रख रहे हैं उसको एक्स ले लो प्लस सर वेट ऑफ रिस्क फ्री इनटू बीटा ऑफ रिस्क फ्री क्योंकि रिस्क फ्री आपको या तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा या आपको रिस्क uh, फ्री uh, uh, क्या बोलते हैं ना उसको बोरो करना पड़ेगा देखो अगर आपका बीटा है वन करंट बीटा वन है आपका क्लाइंट आके बोलता है बीटा बढ़ा दो 1.2 कर दो देन इन दैट केस आपको रिस्क फ्री बोरो करना पड़ेगा बिकॉज अभी आपको बीटा बढ़ाना है तो आपको चाहिए कि यार बीटा हो ही ना मेरे उसमें मतलब रिस्क फ्री चाहिए ही नहीं अपने को लाइफ में और अगर उल्टा से फॉर एग्जाम्पल आपका बीटा है एंड आपका क्लाइंट आके बोलता है यार नहीं हमको तो करना करना तो करना है 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 तो तो बीटा बीटा रिड्यूस रिड्यूस कोई बात नहीं हम आपके पोर्टफोलियो में रिस्क फ्री इंट्रोड्यूस कर देते हैं जितना रिस्क फ्री इंट्रोड्यूस करेंगे उतना ओवरऑल बीटा कम होते जाएगा क्योंकि भाई जितना मेरा भी पोर्टफोलियो है उसमें रिस्क फ्री जिसका बीटा जीरो इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं राइट सो पे अब कितना रिस्क फ्री इंट्रोड्यूस करें अपन वो क्वेश्चन मार्क है अब उसके लिए यहां पे मेरे को जो भी टारगेट बीटा चाहिए वो मैंने इधर लिख लिया तो मेरा टारगेट बीटा मेरे को कितना चाहिए भाई अह मेरे को टारगेट बीटा चाहिए 1.2 सॉरी तो ये यहाँ पे 1.2 आ जाएगा ये टारगेट बीटा है भाई 1.2 करंट मेरा पोर्टफोलियो बीटा है कितना है 1.108 सॉरी 1.108 इनटू बीटा ऑफ करंट पोर्टफोलियो ये ये बीटा ऑफ करंट पोर्टफोलियो सो बीटा ऑफ करंट पोर्टफोलियो इनटू इनटू क्या बोला है वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो ये मुझे नहीं पता है एक्स प्लस प्लस अब मेरे को देखो क्या करना है बीटा 1.108 से इंक्रीज कर देना है टू 1.2 तो मुझे क्या करना पड़ेगा रिस्क फ्री को कुछ ना कुछ बॉरो करना पड़ेगा एंड दूसरा सिचुएशन देखो दूसरा सिचुएशन है रिस्क रिस्क फ्री फ्री वेट ऑफ टारगेट बीटा अब सेकेंड केस में फर्स्ट केस में मेरे को टारगेट बीटा चाहिए जीरो पॉइंट एट कितना चाहिए जीरो पॉइंट एट समझ में आया अब सुनना कुछ भी हो जाए बीटा ऑफ रिस्क फ्री बीटा बीटा ऑफ रिस्क फ्री तो जीरो ही होगा मल्टीप्लाई बाय वेट अब वेट कुछ भी हो उसका एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो तो ये मेरा हो जाएगा जीरो एंड फाइनली अब मेरे को इसको सॉल्व करना है तो आप लोग नोट करेंगे ये हो जाता है x इज इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाय 1.108 क्या बोला 0.8 डिवाइड बाय 1.108 एंड दिस इज इक्वल टू 72.2% एंड एंड उसके नीचे वाला भी देखो नीचे वाला भी देखो नीचे वाला क्या है ये मेरा देखो रिस्क फ्री का बीटा जीरो मल्टीप्लाई बाय वेट तो अभी कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करू जीरो को वो तो जीरो ही रहेगा सो इन शॉर्ट ये पूरा निकल जाएगा बच्चा क्या बच्चा मेरा फिर एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट टू अपॉन वन पॉइंट वन बिकम हंड्रेड एंड एट परसेंट अब आप लोग नीचे आ जाओ ये देखो क्या करंट पोर्टफोलियो मेरा, तो तो ,00 तो मेरा 12 लाख ,00 रुपए का है तो इधर मैंने लिख दिया देखो करंट पोर्टफोलियो बारह लाख सेवेंटी टू पॉइंट टू तो मतलब अब मुझे और कितना इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा फोर लाख सिक्सटी टू थाउजेंड ये फोर लाख सिक्सटी टू ,00, थाउजेंड इंट्रोड्यूस समझे कि नहीं एन दूसरा मेरा सामने क्या है अगर मेरे को बीटा इंक्रीज करना है अगर मेरे को यहाँ पे बीटा इंक्रीज करना मल्टीप्लाई uh, so करता हूं 100 पे आ जाता है तो so मेरा करंट होना चाहिए रिस्क फ्री बॉरो करना पड़ेगा तो so कितना इन्वेस्ट करना है कितना बॉरो करना है everything eventually is just dependent on one formula and that is simple है ना भाई? target beta is equal to risk free ka beta multiply by weight of risk free jo zero hi hone wala hai plus current portfolio का beta जो भी दिया हुआ है multiply by x जो weight है अब वो zero वाला निकल गया बच्चा x into जो current portfolio का beta है is equal to target beta आपको एक्स मिल जाएगा उस एक्स को करंट जो पोर्टफोलियो है उस अमाउंट के साथ इक्वेट कर दो 100 कैलकुलेट कर लो आपको पता चल जाएगा कितना रिस्क फ्री इंट्रोड्यूस करना है या कितना रिस्क फ्री बोरो करना है विथ दिस वी कंप्लीट द मैनेजमेंट ऑफ बीटा एज वेल आते हैं अपन लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर विच इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है बिकॉज द मार्केट इज वॉलेटाइल एंड मार्केट के वोलेटिलिटी के हिसाब से अगर आपने अपने इक्विटी शेयर को एडजस्ट एंड रीएडजस्ट नहीं किया देन इन दैट केस ऑब्वियसली योर पोर्टफोलियो में गो फॉर अ टॉस उसके लिए तीन पॉलिसीज बताइए सबसे पहला है बाय एंड होल्ड पॉलिसी जो यूजुअली लोग बोलते हैं वॉरेन गुफे ने फॉलो की है सो व्हाट इज बाय एंड होल्ड कि भाई ले लो और फिर बाद में भूल जाओ अगर आपने कोई अच्छा स्टॉक खरीद लिया है अच्छा शेयर खरीदा है देन ओवर अ पीरियड ऑफ टू इयर्स इट विल इवेंचुअली परफॉर्म वेरी गुड तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो बीच में अगर वो नीचे जाएगा तो पैनिक होके बेचोगे गलत अगर ऊपर गया है फॉर एग्जाम्पल देन इन दैट केस लेट इट गो ऊपर गया तो भी बेच दिया और फिर और ऊपर गया नहीं वो सब करो ही मत उससे अच्छा चुपचाप लेके बैठ जाओ buy and hold policy under this strategy investor has a combined investment in equity and debt equity risky hai debt less risky hai par buy and hold mein simple hai ki boss aap aaram se बैठ जाओ buy and hold ha aap kya kar sakte ho ki bhai dekho samjho aapke paas दो लाख रुपए है तो उसमें से एक फ्लोर सेट कर लो कि भाई एक लाख आप डेट में डालोगे तो डेट वाला तो सिक्योर्ड ही रहेगा कोई टेंशन ही नहीं है बाकी का जो वन लाख इक्विटी है वो आप लेके भूल जाओ क्या होगा ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाएगा, पॉलिसी तो है, तो है, तो है।, so है कि एक फ्लोर वैल्यू सेट कर लो इन्वेस्ट दिस अमाउंट इन बॉन्ड्स भाई दो लाख रुपए है मेरे पास एक लाख रुपए तो मुझे उसमें से चाहिए ही चाहिए तो उतना मैं में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दूंगा अमाउंट अबो फ्लोर वैल्यू to be invested in equity amount above floor value to be invested in equity और उतना पैसा डालके मजे करो भूल जाओ so fifty thousand invested in equity floor value minus uh, floor value invest in debt so मेरे पास एक लाख रुपया था इस बंदे के पास उसने floor value जितना which is fifty thousand

आप लोग ने इसे इन्वेस्ट किया फिफ्टी परसेंट डेट में और फिफ्टी परसेंट इक्विटी में आप लोग एक यहां पे बैंड सेट करेंगे सो इन्वेस्टर फिफ्टी परसेंट इक्विटी फिफ्टी परसेंट डेट आपके पास दो लाख रुपए थे या एक लाख रुपए थे आपने फिफ्टी थाउजेंड इन्वेस्ट कर दिए शेयर्स में और आपने इन्वेस्ट कर दिए फिफ्टी थाउजेंड बॉन्ड में नो no प्रॉब्लम अब हुआ क्या शेयर का प्राइस तो फ्लक्चुएट होता है आपने सोचा है कि एवरी मंथ आप उसको रीबैलेंस करोगे शेयर का भाव हो गया, गया तो इन्वेस्ट था वो फोर्टी थाउजेंड हो जाएगा क्योंकि हंड्रेड माइनस ट्वेंटी परसेंट एटी हो गया तो फिफ्टी थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट माइनस करोगे तो फोर्टी थाउजेंड हो गया एंड ये है फिफ्टी थाउजेंड जो बॉन्ड्स है वो तो वही रहेगा उसमें तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आता है तो फिफ्टी प्लस फोर्टी कितना हुआ सर नाइन्टी थाउजेंड हुआजू इज फोर्टी फाइव थाउजेंड so 45000 is now, ah फोर्टी 45000 is now what we should invest in stocks and bonds ab अब उसमें से ka का dikh दिख रहा है 40, bond ka का dikh दिख रहा है फिफ्टी आप बताओ लॉजिकली क्या करोगे सर बॉन्ड में से फाइव थाउजेंड बेच के स्टॉक में डाल देंगे एंड ये रहा बॉन्ड टू स्टॉक स्विचिंग कितने का ऑफ रूपीज फाइव थाउजेंड समझ में आया आपको लॉजिकली और एक लेते हैं एट्टी तो का सिक्सटी रुपीस हो गया अब आपने जब फर्स्ट टाइम परचेज किया था आपने जब ये फर्स्ट टाइम परचेज किया था तो फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड बाय से हंड्रेड मतलब कैन आई से फाइव हंड्रेड शेयर था इनटू अब हो गया सिक्सटी पर शेयर सो दिस विल बिकम थर्टी थाउजेंड तो मेरा इक्विटी हो गया थर्टी मेरा डेट हो गया फिफ्टी थाउजेंड सो टोटल कितना हो गया बाय टू सो फॉर एग्जांपल अब ये दोनों में होना चाहिए 40 ,000, 40 ,000. अब फिलहाल मेरा investment है कितना से 45 ,000, 45 ,000. बस तो उस हिसाब से मैं वर्कआउट कर सकता हूँ अरे ये क्या हो गया ये सिक्सटी पे थर्टी थ्री सेवन फिफ्टी और फोर्टी फाइव थाउजेंड क्यों दिखा रहा है भाई तो अभी अच्छा अच्छा मैंने और नया शेयर्स खरीदा होगा ना यहाँ पे 80 पे सो so, चलो ये ये एक चीज मेरे को लेना पड़ेगा इम्पैक्ट यहाँ पे सो आई विल शो यू डोंट वरी ये देखो जब मैंने ये 500 शेयर्स खरीदा था तो ये मेरा 500 शेयर्स था फिर मैंने और शेयर्स खरीदा फिर मैंने और शेयर्स खरीदा जब ये 80 का हो गया तो रुपए का और शेयर खरीदा पड़ा आपने को एट ₹80 सो 5000 डिवाइड बाय 80 कितना शेयर्स खरीदा आपने सर आपने खरीदा 62.5 अब ये 562.5 शेयर्स है आपके पास बराबर मल्टीप्लाई बाय एक शेयर का भाव कितना है एक शेयर का भाव है 60 पर शेयर 60 पर शेयर तो टोटल कितना हो गया तो 562.5 इनटू 80 एंड दिस विल बिकम 45,000 गॉट इट गाइस सो इस तरह से आपको यहाँ पे ये वैल्यू वर्कआउट करना पड़ेगा एक सेकंड एक ना भाई ये हमारा कैलकुलेटर थोड़ा आ, एरर थ्रो कर रहा है ये 5, .5 60 करो जरा तुम्हारे कैलकुलेटर में आएगा सर ओके ओके सो अब महीने बाद शेयर का वैल्यू हो गया से सिक्सटी पर शेयर तो थर्टी थ्री सेवन फिफ्टी हो गया इक्विटी का वैल्यू डेट का वैल्यू तो जॉ का रहेगा तो डेट हम लोग ने स्टार्ट किया था फिफ्टी थाउजेंड से फिर बोला पांच हजार बेच दो डेट बराबर है तो ये हो के अभी फोर्टी फाइव थाउजेंड पे दिख रहा है तो ये है फोर्टी फाइव थाउजेंड अब सुनो पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करना है तो टोटल मेरा ये कितना हो गया सो थर्टी थ्री सेवन फिफ्टी प्लस फोर्टी फाइव थाउजेंड ये हो गया सेवेंटी एट सेवन फिफ्टी डिवाइड बाई टू क्योंकि अपने को तो 50 50 रखना है तो 78 750 डिवाइड बाय टू किया तो ये हो जाता है 39375 तो अब आपको क्या करना पड़ेगा वापस से आपको डेट को बेचना पड़ेगा सो so, 45000 39375 ये हो जाता है फाइव सिक्स टू फाइव ये हो जाता है फाइव सिक्स टू फाइव समझ में आया आपको एवरीवन बोलो ना राइट right? बस तो ये ऑफ़ डिफरेंस उसेंड फिफ्टी थाउजेंड था प्राइस बढ़ गया से वन फिफ्टी हो गया तो सेवेंटी हो गया इक्विटी का फिफ्टी थाउजेंड अपने को तो इक्वल रखना सेवंटी फाइव तो प्लस फिफ्टी लाइक ट्वेंटी डिवाइड बाई टू सिक्सटी टू थाउंड फाइव हंड्रेड होना चाहिए अब दोनों का पर एक का है 75, एक का है फिफ्टी क्या करोगे करेक्ट तो आप शेयर बेच दोगे क्योंकि आपको शेयर्स को सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड पे लाना है और खरीद लोगे डेट क्योंकि अब आपको हंड्रेड सेल ऑफ शेयर ट्वेल्थ थाउजेंड फाइव हंड्रेड परचेज ऑफ बॉन्ड्स या डेट हो गया अपना काम ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसको बोलते हैं स्टॉक टू बॉन्ड स्विचिंग स्टॉक टू बॉन्ड स्विचिंग मतलब स्टॉक बेच के बॉन्ड लिया वापस से अगर शेयर बढ़ा देन इन दैट केस सेम चीज चलते रहेगा जो भी अमाउंट आएगा वो अपन लोग ने अभी कैलकुलेट करना सीख लिया है नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं दैट इज प्रोपोर्शन इंश्योरेंस पॉलिसी भाई मुझे समझ में नहीं आता है इंस्टीट्यूट ये पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछ रही है बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लस इन अ मार्केट विच इज सो वॉलेटाइल जहां पे पूरा वर्ल्ड इज वॉर ड्रिवेन कल मार्केट कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कुछ आइडिया नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम हैविंग अ पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग मैनेजर इज वेरी नेसेसरी सो मेरे हिसाब से अगर आई एम द पेपर सेटर आई विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन ऑन पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग आइए सो कांस्टेंट प्रोपोर्शन इंश्योरेंस पॉलिसी इज व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बहुत ही इजी है ये भी Hmm. बहुत ही ईजी है ये डोंट वरी सो इन दिस पॉलिसी इन्वेस्टर मेंटेन्स अ कॉम्बिनेशन किसका इक्विटी एंड डेट का अवर द प्रपोर्शन चेंजेस बेस्ड ऑन अ मल्टीप्लायर एंड फ्लोर वैल्यू तो इसका एक फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है एंड एवरीथिंग विल बी डन ओके आइए सो फॉर्मूला कुछ ऐसा है क्या मल्टीप्लायर इनटू पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू क्या बोला मल्टीप्लायर गिवन होगा फ्लोर वैल्यू गिवन होगा सो so, अभी ये देखो example. Example में टोटल दस लाख रुपए आपके पास फ्लोर वैल्यू दिया हुआ है टेन सेवन लैख्टी थाउजेंड मल्टीप्लायर दिया हुआ है टू सो so, अपना फॉर्मूला क्या है पोर्टफोलियो वैल्यू सॉरी पोर्टफोलियो वैल्यू है टेन लाख सो टेन लाख माइनस फ्लोर वैल्यू सेवन पॉइंट फाइव लैख तो बचा कितना टू पॉइंट फाइव लैख मल्टीप्लाई बाय द मल्टीप्लायर कितना टू तो टोटल कितना हुआ टोटल हो गया फाइव लाख समझ में आ गया सो so, टोटल अपने पास था दस लाख एंड उसमें से अपन लोग यहां पे कितना ले लेंगे फाइव लाख उसमें से अपन यहां पे कितना ले लेंगे फाइव लाख सो पोर्टफोलियो दस लाख का उसमें से शेयर्स में जाएगा पांच लाख एंड बचा हुआ जाएगा पांच लाख यहां पे गॉट इट एनी क्वेश्चंस एनी बॉडी फॉर्मूला है बस याद रखना पड़ेगा मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू पोर्टफोलियो वैल्यू दिया हुआ है दस लाख दिया हुआ ही होगा आपको एग्जाम में माइनस फ्लोर वैल्यू दिया हुआ ही होगा तो टेन लाख माइनस सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड आया मल्टीप्लायर से आता है इन्वेस्टमेंट टू बी डन इन इक्विटी शेयर सो दस लाख में से उतना पांच लाख गया बचा कितना डेट में पांच लाख अब से फॉर एग्जाम्पल शेयर में कुछ चेंज हुआ तो अपना ये पूरा पांच लाख इन डेट पांच लाख इन शेयर हो गया यहाँ पे अब क्या बोला है पहला केस समझो शेयर है पांच लाख का है नाउ शेयर अब हो गया से इंक्रीज हो गया सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड का हो गया शेयर का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो अब मेरा तो ट्वेल्ल लाख फिफ्टी थाउजेंड हो जाएगा मेरा तो वैल्यू पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाएगा अब मैं क्या बोलूंगा पे मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू सो पोर्टफोलियो वैल्यू कितना है बेटा ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस फ्लोर वैल्यू कितना है सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय टू सो फाइव लाख मल्टीप्लाई बाय टू ये हो जाता है टेन लाख रुपीज सेवन लैक फिफ्टी थाउजेंड हुआ ना, in shares, 2, 50, in है ना इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकॉर्डिंगली एंड इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा क्या पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग होप ये एग्जांपल के साथ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ऑलमोस्ट मॉड्यूल का ही एग्जांपल है तो टेंशन नहीं है शार्पे ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का ये पूरा प्रॉपर फॉर्मूला है वेल well, इसका आने का चांसेस है नेक्स्ट टू जीरो मतलब आ गया तो मुझे लगेगा कि यार इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं जब इसके पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं कहाँ शार्पे ऑप्टिमल पोर्टफोलियो जो प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है उसको करता है बट ठीक है अगर आपको चाहिए तो इसका डिटेल वीडियो या खाली ये फॉर्मुलाई पर आपको लर्न करके जाना पड़ेगा नॉट टू बी डन एट ऑल फॉर द एग्जाम्पल पर ठीक है ऐसे है कुछ भी हो सकता है कुछ भी बोल सकते नहीं है एनीवे anyway, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कुछ दो तीन चीजें रेफरेंस आईसीआई मॉड्यूल का जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर को यूजिंग बीटा कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला प्लीज बराबर से करके जाना उसको यूज कर सकते हो डेरिवेशन मेरे मेन बैच में मैंने तुम लोगों को यू कैन यूज दैट को ऑफ एनी सिक्योरिटी विद इट सेल्फ इज द वरायंस ऑफ दैट सिक्योरिटी ठीक है को रिलेशन को एफिशियंट बिटवीन अ सिक्योरिटी एंड मार्केट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज से फॉर एग्जाम्पल समझो आपको आर ए बी विच इज को रिलेशन को एफिशियंट करना है ए और बी का सो यू कैन ऑल्सो यूज द फॉर्मूला आर ए एम एंड आर बी एम जी हाँ सो को रिलेशन को एफिशियंट ऑफ ए विद मार्केट एंड को रिलेशन को एफिशियंट ऑफ बी विद मार्केट बताइए आ जाएगा आपका आर ए बी सो ऑब्वियसली ये आपको कुछ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन करने के लिए काम आएंगे नाउ इन टर्म्स ऑफ वी आर डन जी सो हाँ. so, के साथ साथ में जैसे कि तुम लोग ने देखा होगा कि मैंने काफी सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी उस दर के उधर ही करवा दिए सो दैट इट बिकम्स इजी एंड मैनेजेबल फॉर यू ऑल एंड मेरे हिसाब से प्लीज मार्क दिस पोर्टफोलियो री एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट

नवरात्रि के टाइम पे जो लेक्चर्स हुआ है प्लीज उसको प्रॉपरली देख लेना मैराथन के लिए मैं क्या स्ट्रैटेजी ला रहा हूँ वो उसका वीडियो मैं कल बनाने वाला हूँ so अब यस yes, फोकस के साथ बस एग्जाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर कर दो टाइम फॉर वीडियो से आस्थाता कीप स्माइलिंग और कुछ चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना विल डेफिनेटली हेल्प यू विद कीप स्माइलिंग थैंक यू बाय